निजी स्कूल बसों में ओवरलोडिंग के मामले पर क्षेत्रीय परिवहन विभाग हमीरपुर ने सख्त कदम उठाने के लिए योजना बनाई है। विभाग के द्वारा जिला के 180 निजी स्कूलों को सख्त निर्देश जारी करते हुए ओवरलोडिंग न करने की हिदायत दी है, तो ऐसा मामला पाए जाने पर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की चेतावनी दी है। RTO हमीरपुर वीरेंद्र शर्मा ने निर्देश जारी करते हुए सभी स्कूलों को चेताया है कि नियमों की अवहेलना करने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा। RTO हमीरपुर वीरेंद्र शर्मा ने कहा कि जिला के 180 निजी स्कूलों को नोटिस जारी करके फरमान जारी किए गए हैं कि स्कूल बसों में सारी औपचारिकताएं पूरी करें और ओवरलोडिंग ना की जाए। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में पूरे जिला भर के निजी स्कूलों की बसों की औचक चेकिंग की जाएगी ताकि बच्चों की सुरक्षा में कोताही न बरती जा सके। हमारे इस जिला में हमने 180 जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको नोटिसेस जारी कर दिए हैं और नोटिसेस उनके पास पहुंच भी गए हैं। उसमें हमने बड़े ये उनको नोटिसेस जो है, क्योंकि हमने उनके सबके ईमेल लिए और उनको व्यक्तिगत तौर पे भी कार्यालय के द्वारा हमने सूचित करवाया गया और इसको पब्लिसाइज भी किया गया। अखबारों में भी एक नोटिस इसका दिया गया कि जो भी स्कूल की बसें हैं, एक तो स्कूल बस की जितनी रिक्वायरमेंट होती हैं, इवन जब हम इनकी पासिंग कर रहे हैं तब तो हम इसको देख ही रहे हैं, अदरवाइज भी स्कूल बसेस में ओवरलोडिंग का बिल्कुल स्पष्ट बताया गया है कि कोई किसी भी किस्म की जो है वो ओवरलोडिंग जो है वो नहीं करेंगे। बच्चे जितनी सीट्स हैं, और उसके साथ साथ हर स्कूल बस में जो है बच्चों को उतारने के लिए जो है स्कूल का अटेंडेंट होगा और अटेंडेंट के बिना जो है वो बस जो है वो कार्य नहीं करेगी। तीसरा ये है कि स्कूल जो है वो जितने भी व्हीकल्स हैं इनके लिए कमर्शियल मैनेजर जो अपने ड्राइवर्स को, बाकी लोगों को, स्टाफ को सेंसिटाइज करेगा कि क्योंकि छोटे बच्चों को लेके जाना है, कैसे उनको उतारना है, कैसे उसका रखरखाव करना है, कितने बच्चों की कैपेसिटी होगी, ये सारी चीज़ें हमने उनको एक नोटिस दी है जो हमारी तरफ से वार्निंग भी है, सुझाव भी है और एडवाइस भी है कि अगर वो इनका पालन नहीं करेंगे तो उनके विरुद्ध सख्त एक जो पेनल्टी है और रूटीन चेकिंग पे, क्योंकि हमने नोटिस दिया है तो हम इनकी रूटीन चेकिंग और हर कोशिश करेंगे कि जिले के जितने भी स्कूल्स हैं उनको कवर किया जाए, उनको चेक किया जाए ताकि बच्चों की जो है जो सुरक्षा का पूरा ध्यान हम रख पाए।